हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए, इसके कंसेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर हो, आपको पता कंडक्टर जो है उसके अंदर से फ्री चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर हम इस कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, कोई चार्ज इसके अंदर एडिशन करते हैं, कोई चार्ज इसके अंदर डालते हैं, तो हमारा ये कंडक्टर उस चार्ज को आसानी से एक्यूमुलेट कर लेता है या अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, तो आपको पता है इसके सरफेस के ऊपर V की वैल्यू भी बढ़ेगी, पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने देखा था कॉन्स्टेंट क्यू बाई आर, 1/4πε0 के कॉन्स्टेंट को हमने कैसे लिख दिया, चार्ज बाई डिस्टेंस आर, ये वैल्यू होती थी। तो जैसे आपका क्यू बढ़ेगा वैसे आपकी पोटेंशियल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक लिमिट आएगी कि कब तक इस कंडक्टर के अंदर हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं कि ये इसको आसानी से अपने अंदर स्टोर करता रहे। अब उस लिमिट को या इसकी उस कैपेसिटी को कि ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस। इसको आप बोल सकते हो कैपेसिटी टू स्टोर या टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो इसकी एबिलिटी है, वो इसकी योग्यता की मेजरमेंट है कि ये कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कैपेसिटेंस। अब जैसे जैसे हम उसके अंदर चार्ज ऐड करेंगे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल है। अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है सी, क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू वी, क्यू इज द चार्ज, वी इज द पोटेंशियल, एंड हेयर द कॉन्स्टेंट सी इज नॉन एज कैपेसिटेंस। जो आपका कॉन्स्टेंट सी है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने इसको, और यहाँ से अगर हम इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो ये वी हमारा जो इधर मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपका किसके इक्वल होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल। अब अगर इस स्टेटमेंट से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो देखिए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस वो होता है जब हमें उस कंडक्टर को चार्ज देना पड़े उसकी पोटेंशियल को 1 यूनिट राइज करने के लिए। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाई यूनिट अमाउंट। कि हमारा जो कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर का वो क्या होगा, आपका वो चार्ज जो आपको किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 यूनिट अमाउंट से राइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कैपेसिटी बोलेंगे या कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्लियर है? और जनरली हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटी या एबिलिटी है कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की। इसके बाद देखिए, जो कैपेसिटी होती है आपकी या जो कैपेसिटेंस है वो आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कि जो आपका कंडक्टर होता है उसके साइज और शेप, इनके ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा वेरी हो सकता है। सेकंड आपका है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब ये आपके पास मान लो कंडक्टर है तो इसके आसपास जो सराउंडिंग मीडियम है इस पर भी ये डिपेंड करता है, इसकी परमिटिविटी पे। परमिटिविटी टर्म जो है आप फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। देखिए हमने अभी क्या बोला कि अपना जो कंडक्टर होगा जैसे जैसे हम उसके अंदर चार्ज ऐड करते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि ये और चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए उस टाइम पे इसके सरफेस पे इतना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल इतनी हाई हो जाएगी कि इसके आसपास सराउंडिंग में जो मीडियम है उस मीडियम को ये आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा और जो इसका चार्ज है वो इस मीडियम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम चार्ज डालते जाएं और यहाँ से निकलता जाए तो उस चार्ज को तो ऐड करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि हमारा कंडक्टर तो उसको होल्ड कर ही नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट कि ये इसके मीडियम को आयनाइज ना करे उस लिमिट तक को हम इसकी कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है? और जो कंडक्टर जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा।
तो ये आपका आया नेचर पे। अब देखो एक यहाँ का जो मीडियम है वो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू जो है ऐसी हो कि वो काफ़ी जल्दी आयनाइज हो सकता हो, तो हमारे कंडक्टर का चार्ज जो है थोड़ी सी पोटेंशियल डेवलप होते इस मीडियम को आयनाइज कर देगा और मीडियम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा केस हो कि हमारा जो सराउंडिंग है वो ऐसी हो कि वो काफ़ी हाई पोटेंशियल पे जाके आपकी आयनाइज होती हो, तो उस केस में हमारा कंडक्टर जो है ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा। तो ये आपकी सराउंडिंग मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। थर्ड आपका है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नाइबरहुड, कि अगर हमारे कंडक्टर के जिसको हम चार्ज दे रहे हैं उसके आसपास कोई और कंडक्टर है उससे भी हमारी इसकी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, क्लियर है। और जो हमारा कंडक्टर है उसका जो मटेरियल है, मटेरियल का नेचर, उस चीज़ पे हमारा ये डिपेंड नहीं करता इसका कैपेसिटेंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फॉर ए कंडक्टर गिव इट्स डायमेंशंस, कि जो आपका कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर का पहले तो उसकी यूनिट बताओ क्या है और फिर उसके डायमेंशंस बताओ क्या है। तो जो यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस की इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना इसको, वो है फैरेड। इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं और ये एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है फैरेड, क्लियर है। कैपिटल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं। अब फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो हम अभी अगले टॉपिक में देखेंगे कि कितनी बड़ी वैल्यू है इसकी, इसलिए इसकी हम कुछ छोटी यूनिट्स का यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें। वो क्या क्या है वो देखते हैं हम। ये आपके पास ये वैल्यू है मिली फैरेड, मिली फैरेड को हम लिखते कैसे हैं 1 mF, और मिली का मतलब है 10^-3 फैरेड, 10^-3 फैरेड। नेक्स्ट है माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड को हम इस सिंबल से लिखते हैं और माइक्रो के लिए 10^-6। मिली और माइक्रो ये जो आप डेली यूज करते हैं हर प्रकार की स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो इसकी है वो है पिको फैरेड, पिको फैरेड के लिए ये आपका सिंबल है और ये आपकी 10^-12 फैरेड के इक्वल होती है, क्लियर है। ये यूनिट्स आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, ये जो है आप इसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, आपको वैल्यू दी होगी इन सब में मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, तो उसको फैरेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका आपको पता होना चाहिए। अब डिफाइन कर लेते हैं कि 1 फैरेड जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए आपने क्या देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है चार्ज बाई पोटेंशियल। तो आपको पता है जब हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम 1 में डिफाइन करते हैं, 1 फैरेड। इसको 1 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको भी 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें। अब फैरेड आपकी ऐसा यूनिट है तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम, और पोटेंशियल की वोल्ट। तो यहाँ से इसको आप डिफाइन कर दो कि 1 फैरेड आपका क्या होता है कि अगर आप किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें और उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो उसकी कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस है वो क्या कहलाएगा, 1 फैरेड कहलाएगा। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ एडिशन ऑफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम टू इट इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। कि किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को 1 फैरेड कब बोलेंगे, जब हम 1 कूलम चार्ज ऐड करें उसके अंदर और इससे उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, क्लियर है। अब हम इसके डायमेंशंस पे आते हैं। देखिए आपके पास 1 फैरेड किसके इक्वल है, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। वोल्ट को ऊपर लिखें तो इन्वर्स हो जाएगा या कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। अब इसको हम आगे कन्वर्ट करते हैं, देखिए कूलम पर वोल्ट आपने यहाँ पे देखा। अब वोल्ट को अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाओगे तो आपने देखा था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये डेफिनेशन हमने पोटेंशियल की देखी जब पोटेंशियल का टॉपिक किया था। वर्क आपको पता है इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, जूल, और कुल इसकी चार्ज की कूलम। ये चार्ज यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक पहले से है एक और ऊपर इसका हो गया स्क्वायर और नीचे आपके पास पड़ा हुआ है जूल। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। वर्क को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो नीचे आपका क्या बना, न्यूटन मीटर। अब ऊपर है कूलम स्क्वायर, कूलम को देखो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अब आप यहाँ से करंट की डेफिनेशन पे जाएंगे, करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज बाई टाइम।
चार्ज आपको पता है कूलम में है, टाइम को इधर ले आए। करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। टाइम को किस में? सेकंड में। तो क्या बने आपके पास? एम्पियर सेकंड। कूलम का स्केयर था तो एम्पियर सेकंड का भी क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा। अब सेकंड को जो हम डायमेंशंस में किस फॉर्म में लिखते हैं? टी की वैल्यू से लिखते हैं। तो देखिए ए का स्केयर, सेकंड को लिखेंगे टी, टी का स्केयर। न्यूटन की डायमेंशंस आपको सबको पता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम वन एल वन टी माइनस टू। एम क्या है? मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे लिखेंगे? एल से। इसको रीअरेंज करेंगे ऊपर नीचे तो आपके पास एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर और एम्पियर स्केयर, ये आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर यहाँ से आपसे सिर्फ डायमेंशंस पूछी जाएं तो माइनस वन माइनस टू फोर टू, ये आपके पास डायमेंशंस हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अपने पास एक कैपेसिटर है जो स्फेरिकल शेप का है, हमें यह पता लगाना है कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए कैपेसिटर की बात करें कुछ भी नहीं है, हमारा ये कंडक्टर होता है। अलग अलग शेप के जो है कैपेसिटर हमारे पास होते हैं, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ये सारे हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे को ये दिया गया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये दिया हुआ अपने को एक स्फेरिकल कैपेसिटर। हम मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज क्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। क्लियर है? अब सफियर की इसकी शेप है तो कहीं इसका सेंटर होगा और कुछ इसकी रेडियस होगी, ये हमने इसकी रेडियस कैपिटल आर मानी हुई है और सेंटर इसका यहाँ इस पॉइंट में मान्य हुआ है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक किए थे तो हमने ये देखा था कि जब भी हमारा कोई सफेरिकल शेप की कोई बॉडी होती है उसके केस में, जैसे किसी पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली, तो जो इसके सरफेस पे चार्ज होता था उसके कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आती थी, उसी प्रकार से अगर हम ये मान लें कि ये जितना चार्ज इसके सरफेस पे है ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में हो और वो इसके सेंटर पे लाई करता हो यहाँ पे, तो इस सेंटर वाले पॉइंट चार्ज का इफेक्ट और इस सरफेस वाले चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पे एक जैसा होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसके सरफेस पे जितना भी ये चार्ज है ये सारा हम ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरा कहाँ कंसंट्रेटेड है? इस सेंटर के ऊपर। देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में चार्ज कहाँ होता है? इसके सरफेस पे होता है, लेकिन इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसका इफेक्ट यहाँ सेंटर पे, अगर हम ये माने कि जितना चार्ज ये सरफेस पे है ये सेंटर पे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में है, इसका इफेक्ट इसके इक्वल होगा अगर किसी पॉइंट पे कहीं हम निकालेंगे तो। इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको आर की फॉर्म में लेके आने के लिए कहाँ मान के चलते हैं? इस सेंटर पे मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको, इट कैन बी अज्यूम्ड, ये माना जा सकता है टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ सफियर, कि जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे सरफेस पे, उसको हम इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो जो इस सेंटर पे जो चार्ज होगा उसके कारण पोटेंशियल इसके सरफेस पे कहीं भी, सरफेस यहाँ कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो देखिए उसकी वैल्यू आप निकाल के आए हैं कॉन्स्टेंट चार्ज बाई डिस्टेंस आर। देखिए यहाँ सेंटर से दूरी कितनी इसकी? रेडियस के इक्वल। कॉन्स्टेंट के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने क्या माना है यहाँ पे? कैपिटल क्यू। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी, ये हमारी कैपेसिटर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू है। अब जो हमारा कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का, वो हमने रिलेशन देखा था कि किसके बराबर होता है? क्यू बाई वी के इक्वल होता है। कहाँ होता है? ये वैक्यूम में होता है, जब हमने हमारे कैपेसिटर को वैक्यूम में रखा हुआ हो, सिचुएटेड इन वैक्यूम। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे क्या करो V की वैल्यू पुट कर दो, ये V की वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट से आई थी हमने पुट कर दी। आप क्या देखो क्यू से क्यू हो जाएगा आपका कैंसल, ये नीचे वाली क्वांटिटी रिवर्स होगी कहाँ चले जाएगी? ऊपर। तो जो कैपेसिटेंस है आपको वो मिलेगा 4πε0R। 4πε0 आपके क्या है? कॉन्स्टेंट। और R आपकी क्या है? जो आपका सफियर है, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी रेडियस आपके पास R। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कैपेसिटेंस होगा इस कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रेडियस पे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जितनी उसकी रेडियस बड़ी उतनी ही उसकी कैपेसिटी ज़्यादा। कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब उतना ही ज़्यादा चार्ज वो होल्ड कर सकता है, और जितना उसका साइज कम उतनी उसकी कैपेसिटी भी कम। क्लियर है? तो चलिए अब हम
रेडियस कैलकुलेट करते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर की और मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है। अब देखते हैं हम कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। हमने बोला था कि 1 फैरेड एक बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, अब देखते हैं कितनी बड़ी है वो। तो चलिए इसकी रेडियस निकालते हैं। यहाँ से देखिए, लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड। अब आर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन से आर की वैल्यू निकालोगे तो ये 4πε0 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इस 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻¹। इस पूरे की वैल्यू होती है 1/4πε0 की। और कैपेसिटेंस हमने कितना मान्या है, 1 फैरेड। क्लियर है, 1 फैरेड। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो 1 फैरेड है, 1 फैरेड में तो कोई चेंज नहीं। जो आपके पास 9×10⁻¹ है, ये किसके इक्वल आया, रेडियस के। अगर इस मीटर को हम किलोमीटर में बदल दें तो ये आता है 9×10⁻¹ किलोमीटर। इसका मतलब जो कैपेसिटर स्फेरिकल शेप का है और उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, उसकी रेडियस कितनी होगी, इस वैल्यू के इक्वल, 9×10⁻¹ किलोमीटर। आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू इतनी है, 6400 किलोमीटर। और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये हमारी वैल्यू अर्थ की रेडियस से भी 1500 गुना ज़्यादा आती है। दिस रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ की रेडियस 10⁻³ किलोमीटर और साथ में मल्टीप्लाई बाय 6.4, अप्रोक्सीमेटली इसने 6 लिया हुआ है। तो 1500 गुना अर्थ से भी बड़ा, क्या प्रैक्टिकली कोई इतना बड़ा कैपेसिटर हम बना सकते हैं? बनाएंगे तो उसको रखेंगे कहाँ, अर्थ से ही इतना गुना बड़ा है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। और हमारा जो है ये इम्पॉसिबल है, या हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल टू हैव ए सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। सो इतने लार्ज कैपेसिटेंस का कोई सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर हम नहीं बना सकते। क्लियर है। यहाँ से देखिए, जो ये सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है 4πε0R, ये आपका होलो और सॉलिड सफियर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो आपका कंडक्टर चाहिए होलो हो, अंदर से खाली हो, चाहिए पूरा भरा हुआ हो, सफियर हो, दोनों के लिए आपका ये जो है एप्लीकेबल है। और यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, इसकी ऐसा यूनिट भी आप निकाल सकते हो। देखो इसको इधर रख लो, 4πR को इधर ले जाओ, तो यहाँ से आपकी क्या बनेगी, कैपेसिटेंस के लिए फैरेड और ये तो कांस्टेंट है, आर के लिए मीटर, तो फैरेड पर मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ से देखोगे, फैरेड पर मीटर आप इसको लिख सकते हो। इसकी परमिटिविटी की ऐसा यूनिट को अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से, तो फैरेड पर मीटर हम लिख सकते हैं। आज हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you, have a nice day.